रामनवमी के मौके पर अयोध्या के सरयू तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने पावन सरयू नदी में स्नान किया। स्नान के बाद अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए लोग उमड़ते हुए दिखाई दिए। दोपहर 12 बजे मंदिरों में जन्मोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। 2 साल से कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भव्य तरीके से नहीं मनाया जा सका था। इस बार राम जन्मभूमि परिसर में भव्यता के साथ प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, प्रकट उत्सव है, जिसके चलते पूर्वांचल के कई जनपदों से, कई प्रांतों से यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण आए हैं और अयोध्या में प्रातःकाल सरयू स्नान करके हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, भगवान बजरंगबली को लड्डू चढ़ा रहे हैं, वहीं रामलला का भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। और कोरोना काल के बाद ये प्रथम मेला है जिसके चलते लाखों की संख्या में भक्तगण अयोध्या आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या है उनकी मुरादें, किस पर्पज़ से आए हैं अयोध्या आप? अयोध्या में जैसे चैत्र रामनवमी ये माना जाता है कि बहुत पुण्यदायक और फलदायक होता है, इसलिए हम लोग नहाने के लिए आए हैं कि ये को हम मतलब हमको पुण्य मिलेगा जी। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? बस्ती से। कोरोना काल के बाद प्रथम मेला है कि यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आए हैं और इतनी भीड़ में लोग दर्शन करने, क्या कहना चाहेंगे, क्या रहा आपका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप माता जी कहाँ से आई हैं? बस्ती से आ रहे हैं। 2 साल कैसे बीता, कोरोना काल में क्या दिक्कत रही, अब क्या दिक्कत? कोरोना में ठीक है, कोरोना में दिक्कत था लेकिन बहुत अब अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद आप दर्शन करने आए हैं, अयोध्या में लाखों की भीड़ है, ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए। 2 साल तो उधर दिक्कत थी कोरोना की वजह से जी जी, और इस टाइम जो चल रहा है मेला बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, लाखों की संख्या में लोग आए, बहुत 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 ज्यादा पब्लिक। कहाँ कहाँ आपने दर्शन किया अयोध्या में? कनक भवन के किए, दशरथ महल में किए, हनुमानगढ़ी भी किए, रामलला जी के पास वहाँ भी, रामलला में भी हाजिरी लगाया है। आज अभी 12 बजे भगवान रामलला का प्रकट उत्सव होगा जन्मोत्सव, तो उसमें भी आप शामिल होंगे? अभी तो घूम रहे हैं इधर, टाइम हो जाएगा तो जी जी। तो ये भक्तगण हैं जो कोरोना काल के बाद प्रथम मेला में अयोध्या आए हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं, प्रातःकाल ही सरयू में डुबकी लगाए हैं, हनुमानगढ़ी, रामलला, कनक भवन सभी मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर अपना जीवन धन्य होने की कामना कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे वीडियो में किस तरह की भीड़ यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ है, और जहाँ पर हम खड़े हैं ये रामलला का प्रमुख मार्ग है और इसके जस्ट 50 मीटर की दूरी पे ही भगवान रामलला का मंदिर है जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन कर अपना जीवन धन होने की कामना कर रहे हैं। आज दोपहर जब 12 बजे भगवान रामलला का प्रकट उत्सव होगा तो पूरे अयोध्या में घंटे घंटियाल बज उठेंगे, महाआरती होगा और भगवान को नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और वही भोग भक्तों में वितरण किया जाएगा। और यह पहला अवसर है कोरोना काल के बाद कि लगभग लाखों की संख्या में भक्तगण अयोध्या पधारे हुए हैं और दर्शन पूजन कर अपना जीवन धन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ जनता टीवी वासुदेव अयोध्या। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।